हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इंडियन आइडल सीजन 12 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज आपको मैं एक खास सवाल भट्ट के अपने मन से कहने चाह रहा हूँ। दोस्तों बता दें कि मेरा मन का आवाज़ है, मैं भी एक अच्छे इंसान हूँ। हो सकता है कि मेरा सोचना सही हो या गलत हो, मैं आप सबको जज बनाकर सब अपने मन की बात को कहने जा रहा हूँ दोस्तों। लेकिन इसके पहले हमारा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएँ दोस्तों। और आप अपने मन से कमेंट में ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं। हम सभी जानते हैं कि इंडियन आइडल की एक रियलिटी शो है। इसमें जो भी सिंगर गाता है वह टेलीविजन में दिखाया जाता है और उनकी अच्छी सिंगिंग के आधार पर जनता उन्हें वोट देकर जिताते हैं और फैसला करते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और वह अब ये सवाल आएगा कि आप अगर इंडियन आइडल शो को देखते हैं तो किसी सिंगर को आवाज़ आपका दिल में छू जाए, आप उसके फेवरेट फैन हो जाए। मानो कि आप उसी का इंतजार गाना को पसंद करते हैं और उसे देख भी रहे हो, तो आपको कभी उम्मीद भी नहीं होगा कि ऐसा सिंगर बाहर होगा। और बता दें कि अचानक अगर वही सिंगर शो से बाहर हो जाए तो आपको कैसा दिल में फीलिंग होगा। जी हाँ दोस्तों, इस पर बहुत आप गौर फरमाइएगा दोस्तों। अगर आप क्या सोचेंगे, आप अपने मन में यही सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना अच्छा सिंगर जो कि ये नंबर 1 या 2 का था वह कैसे बाहर होगा। और दोस्तों आप सभी में से ऐसे भी होंगे कि जो कि इस शो से बाहर निकलने के बाद इंडियन आइडल शो को देखना छोड़ देंगे। ठीक ऐसे इंडियन आइडल शो के 12 के कंटेस्टेंट सवाई भट्ट के पास हुआ। सवाई भट्ट का जन्म 1998 विलेज गाजीपुरा में हुआ। उसके पिता का नाम रमेश भट्ट, माता का नाम सुशीला भट्ट। दोस्तों आपको बता दें कि सवाई भट्ट को बचपन में गाना बजाने, म्यूजिक बजाने की बहुत ही शौक था, लेकिन उसको गरीबी के कारण वह ठीक से नहीं कर पाया। फिर भी वह इतना मेहनत किया कि वह एक दिन इंडियन आइडल शो के मंच पर पहुंच गया। तो दोस्तों आज के लिए आप इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।